जब धर्म की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का महत्व और बढ़ जाता है। अयोध्या में जनवरी के महीने में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसके साथ ही जो काशी और मथुरा का नारा शुरू हुआ वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। और इस सब के बीच आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है। राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। बीजेपी अब हर रैली में राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। काशी और मथुरा के मुद्दे को बीजेपी ने ढके छुपे शब्दों में नहीं बल्कि खुलकर धार देना शुरू कर दिया है। अयोध्या में प्रभु रामलला के विराजमान हो गए हैं और उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइनअप कर दिया है। सरकार का काम है लाइनअप करना और उसपे फंड उपलब्ध कराना, जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। माना जा रहा है कि अयोध्या के साथ साथ अब मथुरा और काशी को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को हिंदुत्व के पिच पर लाया जा सके। काशी में सर्वे का काम पूरा हो चुका है और ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा भी शुरू हो गई है। मथुरा का मामला भी कोर्ट पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के साथ ही मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी एजेंडा सेट करने की पूरी कोशिश की है, साथ ही साथ राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष असमंजस में है, बीजेपी के सवालों का जवाब देना कैसे है। हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं, राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। राहुल गांधी भव्य राम मंदिर का दर्शन करने अब तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता श्री राम का आशीर्वाद ले चुके हैं। कांग्रेस से जाने वाले दो नेताओं ने भी कांग्रेस को राम और सनातन पर ही घेरा। गौरव वल्लभ और संजय निरुपम को पार्टी छोड़ते वक्त राम ही याद आए। के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से शुभ्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से शुभ्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको। जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, वो आप उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी। बीजेपी राम मंदिर पर विपक्ष को घेरती है तो विपक्ष की दलील है कि भगवान राम सबके हैं। फारूक अब्दुल्ला तो कई मौकों पर राम भजन भी गाते रहे हैं। अरे ढूंढो मोरे राम, ढूंढो मोरे।
यानी अभी तो आगाज है, सात दौर में चुनाव है, राम के नाम पर नेता अपने काम पर लगे रहेंगे।